बिहार के जंगल में टाइनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद टाइनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बनती है, लेकिन वह बहुत ही काली थी, जिस कारण टाइनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ टाइनी, कब से फैंसी रो रही है और तू है कि काम में लगी है। लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम ही इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसके पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर टाइनी चिड़िया, ये तेरी ही बेटी है, अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा। कालू के बार बार कहने पर भी टाइनी चिड़िया फैंसी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और टाइनी चिड़िया फिर से एक बच्ची की माँ बन जाती है। टाइनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, वो अपनी बेटी का नाम टूनी रखती है। जब टूनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तब टाइनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टूनी को स्कूल जाता देख कर फैंसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरा भी नाम टूनी के स्कूल में लिखवा दो। चुप, तू स्कूल जाकर क्या करेगी, घर में रहकर घर का काम कर। अपना रंग देखा है, रोटी के तवे की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगेगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। टाइनी चिड़िया की ये बातें कालू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन कालू कौवा फैंसी का दाखिला टूनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देख कर बच्चे चिढ़ाने लगते है। पिंकी, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ रे, काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी, मुझे काले रंग से चिढ़ है। फैंसी तू देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो मैं दीदी कह के भी नहीं बोल सकती। ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की ये बातें सुनकर फैंसी कबूतरी बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टाइनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना बंटी कबूतर, उसका बेटा चिंटू चिड़ा विदेश में नौकरी करता है, वो फैंसी से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। मजे की बात तो ये है कि वो कल ही फैंसी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी और बेटा चिंटू चिड़ा के साथ फैंसी कबूतरी को देखने आता है। फैंसी कबूतरी सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देख कर बबली कबूतरी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी की शादी करना चाहें तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। टाइनी चिड़िया की ये बातें सुनकर कालू को उसे एक कोने में ले जाता है। टाइनी, तुम ये क्या कह रही हो, फैंसी क्या सोचेगी। तुम चुप रहो जी, इस काली कलूटी के कारण इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टूनी चिड़िया की शादी चिंटू चिड़िया के साथ हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर फैंसी कबूतरी उससे कहती है, पापा आप दुखी क्यों होते हो, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। फैंसी कबूतरी अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर सर्किट चिड़ा और फैंसी कबूतरी से अपने प्यार का इजहार करता है। फैंसी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फैंसी कबूतरी सर्किट चिड़े को हाँ कर देती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। ये बात फैंसी अपने माँ बाप को बताती है। पापा, मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर सर्किट चिड़े से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बिटिया, तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही फैंसी कबूतरी की शादी डॉक्टर सर्किट से हो जाती है और इस तरह दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।